हेलो माय डियर टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन कराए हैं उसका स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं, कहां तक पहुंचा है, किस जगह आपका पेंडिंग में है, कहां से फॉरवर्ड हुआ है, आपके ग्राम पंचायत से फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का, मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊँगा। बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ऐप ओपन करना होगा। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और सर्च करना होगा आपको पीएम विश्वकर्मा। अब जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीएम विश्वकर्मा, यहीं पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आप पीएम विश्वकर्मा के मेन पोर्टल पर आ जाएंगे। यहां पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, मेरा लोडिंग लेकर मैं पीएम विश्वकर्मा योजना के मेन पोर्टल पर आ चुका हूं। अब दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर में ही लॉगिन का, यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। अब दोस्तों, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, यहां पर आप देख सकते हैं यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। अब दोस्तों, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन कराए थे जो मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर यहां पर आपको डालना होगा। उसके बाद ये कैप्चर यहां पर आपको डालना होगा, फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लॉगिन लेकर मेरे पास यहां पर लॉगिन हो चुका है। अब यहां पर दोस्तों आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट डेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद एप्लीकेंट स्टेटस, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत के पास ये आपका फॉर्म रुका हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके ग्राम पंचायत है वहाँ तक आपका फॉर्म जाकर रुका हुआ है, जब आपका ग्राम पंचायत आपका फॉरवर्ड करेगा उसके बाद ही आपका जो स्टेटस है यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका स्टेटस बता रहा है आपके ग्राम पंचायत के पास आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जाकर रुका हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी घर बैठे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।